हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। QCL की तरफ से मैं आपका बहुत वेलकम करती हूं। आज है 29 फरवरी और मैं 29-28 का करंट अफेयर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। पहले हम 29 का करेंगे, अभी मैं 29 की बात कर रही हूं। और इंटरनेट सेवाएं कट जाने की वजह से आप लोगों को वीडियोस नहीं आ सके। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सारे लोग कम्प्लीटली वॉच कीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। चलिए हम 29 के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। 29th of Feb, ये लीप ईयर होता है और ये हर 4 साल के बाद आता है। जैसे कि अभी ये 2020 में पड़ा है, तो मैंने कहा 4 साल बाद आता है, तो अब 2020 में पड़ा है तो 2020 का तो हो ही गया, तो 21, 22, 23 में ये नहीं होगा। ये कब आएगा? 24 में, यानी 5 साल में ये 2 पढ़ते हैं। जैसे कि 20 को पड़ा है, 24 को पड़ेगा। अब जो 24 को पड़ेगा तो फिर उसके 4 साल बाद आएगा, तो 24 के बाद 25, 26, 27 और चौथा कौन सा पड़ जाएगा? 28। तो ये 4 साल में एक होता है और 5 साल में अगर हम पिछले को ऐड करें तो उसको लगा के 2 होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नेशनल साइंस डे कब मनाया गया है? नेशनल साइंस डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28th Feb को। डॉक्टर सीवी रमन को याद किया गया है। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में सम्मानित किया गया था साइंस के प्रतिष्ठित पुरस्कार से। और साथ ही ये जो इस बार साइंस, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? विमेन इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं या महिलाओं के लिए विज्ञान। तो इंग्लिश में याद रखेंगे, क्या रखेंगे? विमेन इन साइंस, ये इसकी थीम थी। ये 28 फरवरी को मनाया गया है और डॉक्टर सी वी रमन इम्पॉर्टेंट हैं। उनको याद किया गया क्योंकि उनको 1930 में साइंस के उत्कृष्ट प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैंने आपको फरवरी के इम्पॉर्टेंट डे बताने हैं, लास्ट में बताती हूँ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रोटीन दिवस, भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? 27 फरवरी को। कब मनाया गया है भारत का पहला प्रोटीन दिवस? 27 फरवरी को। प्रोटीन के फायदों यानी बेनिफिट्स के प्रति ध्यान आकर्षित करवाने के लिए, जागरूक करने के लिए और सबको भरपूर मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति हो सके, इस प्रयास को, इस कोशिश के को करने के लिए ये मनाया गया है पहला प्रोटीन दिवस इस बार 27 फरवरी को। कब? 27 फरवरी को, और ये हर साल 27 फरवरी को ही मनाया जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी सुदर्शन चतुर्वेदी का निधन हो गया। ये कौन थे? सुदर्शन चतुर्वेदी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो सुदर्शन चतुर्वेदी ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका पूरा नाम था सुदर्शन कृष्ण नाम। क्या? सुदर्शन कृष्ण राम। और इनका नाम क्या पड़ गया था? सुदर्शन चतुर्वेदी। ठीक है, तो इनका सुदर्शन चतुर्वेदी, इनका भी निधन हो गया। और ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये वेदों के विद्वान भी थे, इनको ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, इन सब का अच्छा बहुत ज्ञान था, चारों वेदों का, ठीक है ना। तो ये इनको क्या बोल, वेदों के ज्ञाता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। सुदर्शन कृष्ण राम इनका प्राचीन नाम था, सुदर्शन चतुर्वेदी इनका अभी इनको जाना जाता है, इस नाम से इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि एवं विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में और उद्घाटन करेंगे हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, प्रेजेंट टाइम के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम के नरेंद्र सिंह तोमर, ये इसका उद्घाटन करेंगे। और ये 11वां है, 11th नंबर का है। क्या जी? 11th नंबर का है ये। क्या
कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 11वें नंबर का नई दिल्ली में आयोजन होगा। उद्घाटन कौन करेंगे मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यस तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में अभी किसने अभी संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्त किस देश ने अभी संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया। हाल ही में किस देश ने अधिकार प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के यानी यूनाइटेड नेशन के अधिकार प्रस्ताव से अलग कर लिया, खुद को अलग कर लिया। तो श्रीलंका ने यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र का अधिकार प्रस्ताव है जो युद्ध और दूसरी गतिविधि युद्ध से संबंधित है। तो ये माना मतलब अधिकार प्रस्ताव है किसका, संयुक्त राष्ट्र का। तो ये जो है इससे श्रीलंका ने खुद को अलग कर लिया है, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का है तो यूनाइटेड नेशन की बात कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई है 24 अक्टूबर, इसीलिए यूनाइटेड नेशन डे के नाम से जाना जाता है। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एंटोनियो गुटेरस है इसके चीफ यानी हेड, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। बात श्रीलंका की भी करेंगे। श्रीलंका के गोताबय राजपक्षे कौन है, प्रेसिडेंट, और महिंद्रा राजपक्षे कौन है, प्रधानमंत्री। और साथ ही इसकी कैपिटल है एडमिनिस्ट्रेटिव श्री जयवर्धने पुरम कोट्टे, और कॉमर्शियल है कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपया, और अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच में डिवाइडिंग लाइन कौन सी है, पाक जलडमरू मंडल, पाक स्ट्रेट, या इसको पाक की खाड़ी, पाक अधिकृत भी कहते हैं। और इस पाक की स्पेलिंग क्या है, ये पाक की स्पेलिंग है PALK, ताकि आप पाकिस्तान वाला पाक मत समझना, पाक PALK, ठीक जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए डॉक्टर CV रमन को जो अवार्ड मिला था, मैंने कहा साइंस का प्रतिष्ठित अवार्ड मिला था, तो आपको एक लॉजिक लगाना चाहिए। साइंस का प्रतिष्ठित अवार्ड कह रही हूँ तो कौन सा अवार्ड मिला होगा, नोबल प्राइज मिला था, ठीक है, डॉक्टर CV रमन को। और जो श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्ताव से अलग किया है खुद को, तो एवं अपराधों की जांच के लिए था ये अधिकार प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है, जिससे श्रीलंका ने अपने आप को अलग कर लिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुवांशिक अध्ययन की शुरुआत की है मवेशियों की लुप्त होती हुई प्रजातियों के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशियों की लुप्त होती हुई प्रजातियों के लिए अनुवांशिक अध्ययन की शुरुआत की है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हो क्या रहा है। ज्यादातर जो प्रजातियां हैं मवेशियों की वो लुप्त हो रही हैं, उन्हीं के लिए एक अनुवांशिक अध्ययन की शुरुआत की गई है, ताकि उनको एनवायरमेंट के लिए और उनके फायदे के लिए, एनवायरमेंट के और फायदे के लिए, और जो प्रजातियों को बनाए रखने के लिए कुछ उपाय किए जा सकें, ठीक है। अब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई सब जानते हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसका नाम लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अभी दर्ज किया गया है, किसका नाम अभी लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अभी दर्ज किया गया है, तो श्रीकर प्रसाद का नाम लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इन्होंने कई भाषाओं में, 10 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मों का संपादन किया, और इनकी अभी हाल ही में हिट फिल्म थी Super 30, इसी के चलते श्रीकर प्रसाद का नाम दाखिल किया गया है, दर्ज कर लिया गया है लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कौन सी मोबाइल कंपनी अब इसरो की डेवलप की हुई NAVIC टेक्नोलॉजी का यूज करेगी। हाल ही में कौन सी मोबाइल कंपनी अब इसरो की डेवलप NAVIC टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगी, तो Xiaomi, जिसको हम MI भी कहते हैं, जिससे मैं आपको MI के मोबाइल बहुत सुने, MI के सेट्स, तो इसका पूरा नाम है Xiaomi जो है, ये MI मोबाइल कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में हुई है और चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग में चाइना के, और इसके Liang Xun इसके चीफ हैं, और इसके सेट आपको पता है काफी फेमस और काफी चला चल मतलब
टिकाऊ भी होते हैं, अच्छे होते हैं, चलते हैं। और श्योमी कंपनी में अब इसरो की बनाई हुई नाविक नेविगेशन इंडियन नेविगेशन फॉर इंडियन ये क्या है इसमें, बस इतना याद रखिए, नेविगेशन फॉर इंडियन कॉन्टिनेंट ऐसे कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए ये नाविक टेक्नोलॉजी आ रही है, NAVIC, नाविक मैंने कह दिया, सॉरी, NAVIC। इसरो ने NAVIC टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ये बिल्कुल ई तकनीक की तरह है, जैसे GPS आते हैं, GPS वगैरह आते हैं, ऐसे ही इसरो की एक टेक्नोलॉजी है ये NAVIC। इससे क्या है कि भारत के किसी भी क्षेत्र का, किसी भी एरिया का बिल्कुल आसानी से, बहुत ही जल्दी नेविगेशन यानी कि मतलब लोकेशन उसका ट्रैक किया जा सकता है। उसकी लोकेशन को, भारत के किसी भी एरिया की लोकेशन को, चलाने वाले की लोकेशन की आराम से ट्रैकिंग की जा सकती है। यही है नेविगेशन फॉर इंडियन, ठीक है, नेविगेशन फॉर इंडियन कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट की जगह कुछ और है, मुझे डाउट है इस पे, तो मैं आपको बता दूंगी। नेविगेशन फॉर इंडियन कॉन्टिनेंट याद रखना है आपको, लेकिन कॉन्टिनेंट नहीं है ये, मुझे खुद को ये बात का यकीन है। ये मैं भूल गई हूँ क्या है ये, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, सी का मैं आपको बताऊंगी, मेरे मुझे थोड़ा दिमाग से उतर गई बात, ठीक। तो सी का क्या है, तो नेविगेशन फॉर इंडिया, नेविगेशन फॉर इंडिया याद रखना है आपको, क्या याद रखना, नेविगेशन फॉर इंडिया। तो इससे किसी की भी लोकेशन को आसानी से ट्रैक करने के लिए इसरो की ये टेक्नोलॉजी होगी। अब इसरो की टेक्नोलॉजी होगी, इसरो की आपको सबको पता है 1969 में इसकी उद्घाटन, सॉरी, स्थापना हुई 1969 में। बैंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, डॉक्टर के सिवान इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और बस, तो और आपको तो बता दिया शाओमी के बारे में, तो ठीक है, नेविगेशन फॉर इंडिया क्या याद रखेंगे, नेविगेशन फॉर इंडिया। सी का मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगी बाद में, सी NAVIC में क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी FTTH सेवा कहाँ, FTTH एंड वाईफाई सर्विसेज अभी कहाँ लॉन्च की गई हैं, FTTH एंड वाईफाई सर्विसेज अभी कहाँ लॉन्च की गई हैं, उत्तराखंड के देहरादून में, और इसका नाम है जॉली एयरपोर्ट पर, उत्तराखंड के देहरादून के जॉली एयरपोर्ट पर, जॉली एयरपोर्ट पर ये शुरू की गई है। क्या FTTH, क्या FTTH यानी यानी कि इसका मतलब होगा कि जो FTTH, अरे यार, तो ये FTTH फाइबर टू द होम, फाइबर टू द होम और वाईफाई सेवा, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में। अब याद रखना आपको, उत्तराखंड के बारे में नहीं बताऊंगी, काफी लेंदी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी किस पेमेंट बैंक ने अभी आधार इनेबल सर्विसेज की शुरुआत की है, किस पेमेंट बैंक ने अभी आधार इनेबल किस पेमेंट बैंक ने आधार इनेबल बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत की है, आधार इनेबल अकाउंट की शुरुआत की है, तो किस पेमेंट बैंक ने की है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने आधार इनेबल की शुरुआत, आधार इनेबल बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत की है। आधार इनेबल बैंकिंग सर्विसेज क्या है, कि अगर आपका बैंक अकाउंट किसी भी आधार, सॉरी, आपका बैंक अकाउंट आधार से, कोई भी बैंक अकाउंट आपका आधार से लिंक है, या आप एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर हैं और आधार से लिंक हैं, तो आप इजीली लेन देन कर सकते हैं। यही पेमेंट, एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो शुरू की है आधार इनेबल बैंकिंग सर्विसेज, क्या शुरू की, आधार इनेबल बैंकिंग सर्विस, और एयरटेल पेमेंट बैंक ने शुरू की है। तो अनुप्रता विश्वास इसके MD एंड CEO हैं, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 2017 में इसकी स्थापना हुई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी व्हाट्सअप चैट का यूज करने वाली पहली भारत की कंपनी कौन सी बनी है, एक्सा जनरल इंश्योरेंस भारत की पहली कंपनी बनी है जिसने व्हाट्सअप चैट का करने की घोषणा की है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है, और संदीप श्रीनिवासन है एक्सा जनरल इंश्योरेंस के, यानी कौन, MD एंड CEO, ठीक
ठीक है, ये था 28 तारीख, सॉरी 29 तारीख का, 29th का करंट अफेयर। दोस्तों अब हम 28 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हर एक लोग 5-5 सब्सक्राइबर तो एटलीस्ट दीजिए मुझे। कल के वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आए हैं, प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सारे लोग कंप्लीट वॉच कीजिए अपने लेवल पर। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि आपने देखा। अच्छे कमेंट्स भेजिए, जैसे कि कुछ लोग लेट नाइट भी मुझे कमेंट करते हैं, मैं वीडियो डालती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, सच बता रही हूँ। और लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और कल इंटरनेट नहीं था, जैसे इंटरनेट आया मैंने 2 घंटे के अंदर वीडियो बना के आपको डाला, मुश्किल से 2 घंटे लगे होंगे मुझे। और वैसे ही मुझे रात के 3 के बाद भी कमेंट देखने को मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, रियली मैं बहुत हैप्पी फील किया। तो आप लोग अच्छे कमेंट्स और लाइक शेयर का ध्यान रखिए, और प्लीज़ सारे लोग कंप्लीट वॉच कीजिए। मैं अगर आपको इस चैनल से मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत है तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। चलिए 28 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा 29 की मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी की है, अगर किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें, किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। क्योंकि ये जो अभी मैंने 29 का रिकॉर्ड किया है ऊपर, अभी अभी जो, तो वो रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी की है। ओके पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया था? ये 28 का ले रही हूँ करंट अफेयर, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया था? तो 27 फरवरी को। और अभी मैंने अभी 29 के करंट अफेयर में अभी ऊपर ही बताया है कि भारत का पहला प्रोटीन दिवस भी मनाया गया है, कब कब मनाया गया है जी, तो वो भी मनाया गया है 27 फरवरी को। फर्स्ट प्रोटीन डे ऑफ इंडिया कब मनाया गया है? 27 फरवरी को। और 27 फरवरी को ही मनाया गया है वर्ल्ड एनजीओ डे, समझा गई बात। तो ये जो वर्ल्ड एनजीओ डे है, एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो वर्ल्ड एनजीओ डे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे है ये, और ये क्यों मनाया जाता है? तो जो लोग एनजीओ के थ्रू अच्छे काम करते हैं उनका जश्न मना के, उनके जश्न मनाने के लिए, और उन्हें उनकी मतलब उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए, और उन्हें अच्छा काम करने के प्रति जागरूक करने के लिए, और उनके उन्हें आकर्षित करने के लिए ये वर्ल्ड एनजीओ डे हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 27 फरवरी को। अब ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलिए आज 29 फरवरी तो हो ही गई है, बता दूँ आपको सारे इम्पॉर्टेंट डेज, ठीक है। तो देखिए फरवरी के टोटल इम्पॉर्टेंट डेज सुनिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, नेशनल कैंसर डे 4 फरवरी, विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी, नेशनल डी वार्मिंग डे 10 फरवरी, अच्छा वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी, ये हो गया, और इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन साइंस 11 फरवरी, नेशनल यानी दो दो मनाए गए 10-11 को, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, वर्ल्ड बंगालियन डे 15 फरवरी, इंटरनेशनल जस्ट डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 20 फरवरी, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मदर लैंग्वेजेस 21 फरवरी, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी, फिर कस्टम यानी इसको ऐसे सुन लीजिए, कस्टम्स डे 24 फरवरी, क्या उत्पाद शुल्क दिवस, इसको ऐसे सुन लीजिए, उत्पाद
शुल्क दिवस 24 फरवरी, या इसको कह लीजिए कस्टम डे 24 फरवरी, फिर उसके बाद 27, फिर उसके बाद आता है फर्स्ट प्रोटीन डे ऑफ इंडिया, यानी फर्स्ट नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी, वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी, और आज यानी 29 का मैंने बताया था, 28 को कौन सा मनाया गया है, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। तो ये होते हैं जी सारे फरवरी के टोटल डेज। वैसे मैं इम्पॉर्टेंट थीम्स और इम्पॉर्टेंट डेज में भी जनवरी फरवरी के सारे डेज डालूंगी, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए डियर ऑल, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत में मोबाइल फ़ोन के मामले में दूसरे नंबर का सबसे उच्च ब्रांड यानी टॉप ब्रांड, सेकंड हाईएस्ट ब्रांड कौन बना है? भारत में दूसरे नंबर का सबसे टॉप, सेकंड टॉप यानी सेकंड हाईएस्ट ब्रांड कौन बना है? हिंदी में क्वेश्चन सुनिए आप एक बार, हाल ही में भारत में दूसरे नंबर का ब्रांड कौन बना है? और इंग्लिश में बोले तो मैंने मोबाइल फ़ोन का मामला इसलिए कहा कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो सेकंड हाईएस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया कौन बना है? तो ये बना है सैमसंग। पहले नंबर पे है एप्पल और दूसरे नंबर पे है सैमसंग। मोबाइल फ़ोन जितने भी मोबाइल मतलब कंज्यूमर्स हैं कहा जाए तो या जितने भी यूज़र हैं, एंड्रॉयड यूज़र हों चाहे वो आईफोन यूज़र हों, ठीक, तो कंज्यूमर तो यहाँ थोड़ा ठीक नहीं होगा कहना, बहरहाल कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो एंड्रॉयड यूज़र है, यूज़र कहें तो ज़्यादा, या जो मतलब आईफोन यूज़र हैं तो उनका अगर देखा जाए, उनका एक इंडेक्स देखा जाए तो नंबर वन पे एप्पल है और सेकंड नंबर पर है कौन सैमसंग। कौन है? सैमसंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दुनिया का पहला देश का नाम बताइए जिसने महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पाद बिल्कुल मुक्त कर दिए हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। दुनिया के ऐसे पहले देश का नाम बताइए जो जिसमें दुनिया के पहले देश का नाम बताइए जिसने गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, यानी गर्ल्स तो वुमेन में ही, तो वुमेन्स के लिए सैनिटरी उत्पाद, सैनिटरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं। तो स्कॉटलैंड ने सैनिटरी प्रोडक्ट्स, आपको पता है हर बात ना, इतने अनमेच्योर हैं आप और कि मैं आपको, सैनिटरी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत सबको होती है लेकिन विमेन के लिए एक्स्ट्रा सैनिटरी प्रोडक्ट्स लगते हैं, यानी सैनिटरी उत्पाद की ज़रूरत होती है उनको, है ना, ये तो आप सबको पता है। तो जो महिलाओं को जो सैनिटरी उत्पादों की ज़रूरत होती है वो सारे सैनिटरी उत्पाद फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देगा कौन? स्कॉटलैंड। और ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कौन? स्कॉटलैंड। अच्छा ये क्या, चलिए एडिनवर्थ इसकी कैपिटल है और पौंड स्टर्लिंग कौन है? जो है पौंड स्टर्लिंग है करेंसी और ये यूनाइटेड किंगडम का कंट्री है, यूके का कंट्री है स्कॉटलैंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, हाल ही में अभी शिखर सम्मेलन RAISE का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में शिखर सम्मेलन RAISE का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में, RAISE, ठीक है। तो ये क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल एम्पावरमेंट के लिए है ये, ठीक है। और ये जो है RAISE शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जावेद अशरफ को अपने देश भारत ने किस देश में राजदूत यानी एम्बेसडर अपॉइंट किया है? हाल ही में किस देश में अपने देश भारत ने जावेद अशरफ को विदेशी राजदूत चयनित किया है? हाल ही में किस देश में जावेद अशरफ को अपने देश भारत ने एम्बेसडर, फॉरेन एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है?
तो फ्रांस में, अब फ्रांस में अपॉइंट हो गए हैं जावेद अशरफ एज ए फॉरेन एम्बेसडर। ठीक है, इससे पहले ये सिंगापुर में भारत के तरफ से उच्च आयुक्त थे, यानी हाई कमिश्नर थे। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये हाई कमिश्नर और फॉरेन एम्बेसडर में क्या फ़र्क होता है, मैं बार बार बताती रहती हूँ। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर आप मुझे रोज़ सुनते हैं तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि सिंगापुर में जावेद अशरफ इंडिया के कौन हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, तो कौन हुआ करते थे, उच्च आयुक्त यानी हाई कमिश्नर। और अभी भारत ने इनको, जावेद अशरफ को बना दिया है फॉरेन एम्बेसडर, कहाँ, फ्रांस में। अब बात फ्रांस की है तो फ्रांस की बात करेंगे। फ्रांस की कैपिटल क्या है जी, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, इमैनुअल मैक्रोन है प्रेसिडेंट। समझा गई बात। अच्छा इसका सुन लीजिए, RAISC का तो रिस्पॉन्सिबल, RAISE शिखर सम्मेलन जो हुआ है नई दिल्ली में, तो इसका सुन लीजिए, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस RAISE, हाँ सही, तो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस RAI हो गया, सोशल एम्पावरमेंट SE, तो ये शिखर सम्मेलन। ठीक, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। देखिए जी, ये जो सैमसंग के बारे में बताया है, ये TRA की रिपोर्ट है, ये किसकी, TRA, और उसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे फेवरेट, सेकंड नंबर का सबसे फेवरेट, सेकंड हाईएस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया बना है सैमसंग। ठीक है, तो दूसरे नंबर का सबसे पसंदीदा ब्रांड कौन बन गया है, सैमसंग। पहले नंबर का कौन है, एप्पल। ऐसी रिपोर्ट ये किसकी है, TRA की, TRI नहीं है, TRA। ठीक है, याद रखिएगा। सैमसंग की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका 1938, और सियोल साउथ कोरिया में इसका, यानी साउथ कोरिया की कैपिटल होती है सियोल, वहाँ इसका क्या है, हेडक्वार्टर। और ल्यूंग ही हैं इसके MD एंड CEO। ठीक, चलिए आगे चलें। हाल ही में RBI ने अभी किस बैंक को बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन के ब्रांचेस खोलने की परमिशन दे दी गई है, दे दी है हाल ही में, कि RBI ने किस बैंक को बिना अनुमति के ब्रांचेस खोलने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में RBI ने किस बैंक को अपनी ब्रांचेस खोलने के, ब्रांच खोलने के लिए, अपनी ब्रांच खोलने के, ब्रांच होती है ना बैंक की, तो अपनी ब्रांच ब्रांच ब्रांच, ठीक है। अब तो ये जो ब्रांच खोलते हैं बैंक, तो ये ब्रांच खोलने की परमिशन दे दी है, कि बिना परमिशन लिए, विदाउट परमिशन के, ऐसी मंजूरी दे दी है कि विदाउट परमिशन के वो अपनी ब्रांच खोल सकता है। किस बैंक को दिए, बंधन बैंक को। हुआ क्या था, बंधन बैंक पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि जब भी कोई ब्रांच खोले तो परमिशन ले। ठीक है, हालांकि ये परमिशन RBI लगाता नहीं है, लेकिन बंधन बैंक पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जब भी आप कोई ब्रांच खोलोगे तो हमसे परमिशन लोगे। अब ये रिस्ट्रिक्शन हटाई गई है, क्या क्या कह दिया RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि ठीक है, आप अपनी ब्रांच खोल सकते हैं, और जहाँ भी, अब ऐसी मंजूरी हमने दे दी है कि आप बिना परमिशन के, मतलब परमिशन लेने वाला जो क्राइटेरिया था उसको ख़त्म कर दिया, और बंधन बैंक आप अपनी ब्रांच खोल सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बंधन बैंक का, कोलकाता में। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, चंद्रशेखर घोष इसके MD एंड CEO हैं, चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उच्च शिक्षा लीडरशिप उच्च शिक्षा लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी कहाँ हुआ है, उच्च शिक्षा लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन अभी कहाँ हुआ है, उच्च शिक्षा लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन अभी कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। हमारे जो MHRD मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो मैनेजमेंट्स को देखते हैं, जितने भी मैनेजमेंट को देखने वाले लोग हैं, उन सब के लिए है उच्च शिक्षा लीडरशिप प्रोग्राम, इसी का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपने देश भारत और किस देश के बीच वायु सेना अभ्यास,
इंद्रधनुष का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में अपने देश भारत और किस देश के बीच वायु सैन्य अभ्यास यानी एयरफोर्स एक्सरसाइज इंद्रधनुष का आयोजन किया जाएगा? तो ब्रिटेन और अपने देश भारत और ब्रिटेन के बीच। ब्रिटेन बोले तो यूनाइटेड किंगडम, तो अपने देश ब्रिटेन के बीच होगा एयरफोर्स एक्सरसाइज कौन सा? इंद्रधनुष, ये होगा। अब ये होगा कहाँ, इसका आयोजन स्थल क्या है? तो हिंडन तट जो है, इंडिया का जो हिंडन तट है वहीं पे, हिंडन एरिया जो अपने भारत का हिंडन एरिया है वहीं पे ये होगा क्या, एयरफोर्स एक्सरसाइज, किस क्या नाम है इसका, इंद्रधनुष का आयोजन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात सही है, चलिए जी। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अभी टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? हाल ही में किस टेनिस प्लेयर ने टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? तो ये हैं मारिया सराकोवा ये 5 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं टेनिस में, और अभी इन्होंने कम्प्लीटली घोषणा कर दी है कि ये संन्यास ले रही हैं, रिटायरमेंट ले रही हैं, किससे, टेनिस से। और ये हैं कहाँ की, तो रशिया की हैं। रशिया का तो आपको पता ही है, रशिया के बारे में तो बताती रहती हूँ, है ना। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूबल करेंसी है, और व्लादिमीर पुतिन कौन है, प्रेसिडेंट है, और इसकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम ये क्या है, ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। तो ये आपको याद रखना है, मारिया सराकोवा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सबसे, ये क्वेश्चन ऐसे देते हैं, हाँ, हाल ही में दुनिया के सबसे यंगेस्ट यानी युवा, दुनिया के दूसरे नंबर के युवा अरबपति अभी कौन बने हैं? हाल ही में दुनिया के दूसरे नंबर के अरबपति युवा कौन बने हैं, यानी सेकंड यंगेस्ट अरबपति कौन बने हैं, ठीक है। तो ये हैं रितेश अग्रवाल हैं इन, और ये ओयो रूम्स के संस्थापक हैं। आपने खूब देखा होगा एडवर्टीजमेंट, ओयो रूम्स, ये होटलिंग के लिए जो लोग होटल्स वगैरह बुक करते हैं, रूम्स बुक करते हैं, उन लोगों को के लिए बड़ा यूज़फुल होता है, जो लोगों का जाना आना लगा रहता है। तो ये जो ओयो है, ये दुनिया भर में तीसरे नंबर का ऐसा, मतलब बड़ा ब्रांड बन गया है जिसकी होटलिंग चेन है, ये थर्ड नंबर की होटलिंग चेन वाला बन गया है ओयो। तो अब ये ओयो के जो संस्थापक हैं, ओयो रूम्स, पूरा नाम क्या है, ओयो रूम्स, तो ओयो रूम्स के संस्थापक कौन है, रितेश अग्रवाल, और यही सेकंड है ना, सेकंड यंगेस्ट अरबपति बन गए हैं दुनिया के दूसरे नंबर के अरबपति, रितेश अग्रवाल। अब ये दूसरे नंबर के हैं, पहले नंबर पे कौन है, तो वो कॉस्मेटिक्स की हैं काइली जैनर, ये फर्स्ट नंबर है, और सेकंड नंबर की वो भी यंगेस्ट अरबपति हैं फर्स्ट नंबर की, और सेकंड नंबर के ये कौन है, रितेश अग्रवाल, जो ओयो रूम्स के संस्थापक यानी फाउंडर हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष के मानकीकरण का दूसरा सम्मेलन, हाल ही में आयुष के मानकीकरण के लिए दूसरा सम्मेलन अभी कहाँ संपन्न हुआ है? हाल ही में आयुष के मानकीकरण के लिए दूसरा, है ना, दूसरा सेकंड सम्मेलन कहाँ अभी संपन्न हुआ है, यानी कंप्लीट हुआ है? तो नई दिल्ली में। ये जो आयुष है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ए से क्या होता है, आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, और यू से यूनानी, एस से सिंध, एच से होम्योपैथी। तो ये आयुष, तो आयुष का अभी दूसरा
शिखर मतलब दूसरा सम्मेलन संपन्न हुआ है इसके मानक का, दूसरा सम्मेलन कहाँ, नई दिल्ली में, याद रखना है आपने, भूलना नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी TOP फसलों की कीमत पर निगरानी रखने के लिए किसने अभी MIEWS शुरू किया है, हाल ही में किसने अभी TOP फसलों की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए MIEWS शुरू किया है, हाल ही में अभी किसने TOP फसलों की निगरानी पर फसलों की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए हाल ही में किसने TOP फसलों की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए TOP बोले तो TOP की फुल फॉर्म है टोमेटो ऑनियन पोटैटो TOP, तो TOP की फसलों में बहुत मतलब फसलों की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है, टोमेटो ऑनियन पोटैटोज ये जो इसकी फसलें हैं इनकी कीमतों में बहुत ही उतार चढ़ाव आता है, तो इसी TOP फसलों की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए किसने शुरू किया है अभी MIEWS, तो हमारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम की हरसिमरत कौर बादल कौन है, प्रेजेंट टाइम की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, अब इन्होंने ही TOP फसलों की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए MIEWS यानी मार्केट इंटेलिजेंस वार्निंग सिस्टम शुरू किया है, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, चलिए एक दो फैक्ट होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। और देखिए जी, एक क्वेश्चन सुनिए, वो क्वेश्चन नहीं फैक्ट सुनिए, RAISC जो मैंने आपको बताया, RAISC सम्मेलन जो अभी नई दिल्ली में हुआ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, बताया था आपको, ये 2020 का है, ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जो इंद्रधनुष शुरू हुआ है एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडिया और ब्रिटेन के बीच, तो हिंडन ये यूपी में पड़ता है, हिंडन एयरवेज कहाँ पड़ता है, यूपी में हिंडन एयरवेज यहाँ शुरू हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। यहाँ बहुत बारिश हो रही है, अपना ख्याल रखिए, खुश होइए, खुश रहें बहुत, और आप लोग प्लीज़ कंप्लीट ज़रूर वॉच करें और सब्सक्राइबर्स पे काम करें, तो बी हैप्पी, ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।